नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया था कि फूलों को बल्ब से ग्रो करना बहुत आसान होता है। अगर आपको सीड से ग्रो करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है तो आप जो है बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। बल्ब से फूलों के प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान है। जैसे कि प्याज जो है, जब हमारे घर पे प्याज रखी रहती है काफ़ी टाइम तक, तो आपने देखा होगा वो अपने आप ग्रो करने लगती है। सेम वैसे ही बल्ब जो है वो अपने आप ग्रो करने लगेंगे अगर आप उनको नहीं भी लगाएंगे तो। जब उनको हल्की हल्की हवा में नमी मिलेगी तो ऑटोमेटिक जो है ग्रो करने लगते हैं। मैंने भी कुछ बल्ब जो है वो ग्रो किए हैं। एक बल्ब पर तो जो फ्लावरिंग है वो भी शुरू हो गई, क्योंकि वो बल्ब मैंने पहले लगाए थे। आज के वीडियो में आपको उनकी अपडेट भी दिखाऊंगा और बल्ब को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं वो बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कौन कौन से बल्ब जो है वो लगाए हैं। नंबर एक, एमरलीज। देखिए, एमरलीज के बल्ब जो है, पांच बल्ब मैं लगा चुका हूँ, जिसमें से चार जो है मैंने पॉट में लगाए थे और एक जो है मैंने गार्डन एरिया में जमीन में लगाया है। इसके बल्ब जो हमने लगाए थे तभी उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी, तो जैसे मैंने उसको लगाया उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। आई थिंक 2 वीक के अंदर अंदर उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, तो काफी अच्छा लगता है ऐसे फ्लावरिंग इतनी जल्दी देखकर। अगला बल्ब है रजनीगंधा। रजनीगंधा के बल्ब मैंने लास्ट वीक ही लगाए हैं। रजनीगंधा के बल्ब मेरे पास काफी है, इसलिए मैंने इनको जो है हमारे ऑनलाइन स्टोर पर भी डाल दिया है, ताकि आप में से अगर किसी के पास आसपास ये ना मिलते हो तो वो ले सके। रजनीगंधा एक काफी प्रचलित फूल का पौधा है जिसमें काफी अच्छी खुशबू आती है। मैंने पहले कभी लगाया नहीं, इस बार ही मैंने लगाए हैं क्योंकि मेरे यहाँ पे इजीली मिलते नहीं है। नंबर तीन, क्लेडियम। क्लेडियम के प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है वो ही इतनी खूबसूरत होती है, ये अलग अलग रंगों में आते हैं। तो आप मोस्टली अगर मार्केट में या किसी गार्डनिंग स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिक्स मिलेंगे। मेरे पास भी इसके कुछ बल्ब हैं और मैंने उनमें से कुछ बल्ब जो है वो लगाए हैं। इसके बल्ब में क्या होता है कि आपको समझ ही नहीं आया किस साइड से स्प्राउटिंग करेगा, लेकिन इनको लगाना भी आसान है। इनको आप कोकोपीट की हल्की नमी वाली जगह पर रख देंगे ऐसे ही, तो ऑटोमेटिक इसमें जब स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी तब आप इसको पॉट में लगा सकते हैं। मैंने भी काफ़ी दिन तक ऐसे ही रखा हुआ था। कुछ बल्ब में मुझे जब ग्रोथ स्टार्ट दिखी तब मैंने जो है उनको पॉट में शिफ्ट कर दिया, ताकि जल्दी अब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। अभी भी मेरे पास कुछ बल्ब जो है क्लेडियम के बच गए हैं, तो पहले मेरे एक कुछ बल्ब ग्रो होते हैं फिर देखते हैं हम इसको स्टोर में भी ऐड करेंगे। नंबर चार, इन बल्ब में थोड़ा सा डाउट ये है कि पता नहीं ये नरीन के हैं या क्रेनियम के हैं, क्योंकि इनके बल्ब मोस्टली मिलते जुलते से होते हैं। मैंने इनके बल्ब जो है पहले कभी नहीं लगाए, इस बार ही मैं लगा रहा हूँ। इनमें से कोई भी फूल का बल्ब हो, ये दोनों ही खूबसूरत है। इसके बल्ब जो है काफी हेल्थी है और बड़े भी हैं। ये बल्ब मैंने पहले नहीं लगाए थे, आज मैं इन बल्ब को लगाऊंगा। नंबर पाँच, फुटवा लिली। और ये हमारा फुटवा लिली का बल्ब। फुटवा लिली के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, इसमें क्या होता है, एक जैसे कि एमरलीज में एक स्टिक सी निकलती है स्टेम सा, उसके ऊपर फूल आता है। सेम ऐसे इसमें भी पत्तियाँ आपको दिखेगी नहीं, सिर्फ सीधा फूल दिखेगा। इसका फूल अगर आप देखेंगे तो जो हमारे कालनचों पे जो फूल आते हैं उस तरह से होते हैं, लेकिन इसमें क्या है एक गोल सा गुच्छा सा होता है जो कि फुटबॉल के शेप जैसा होता है, इसलिए इसको फुटबॉल लिली के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हम आज ग्रो करेंगे। इसके बल्ब जो है वो काफ़ी साफ सुथरे और अच्छे हैं दिखने में। तो चलिए अब इन बल्ब को कैसे ग्रो करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें सोइल मिक्स जो है वो तैयार करना होगा, और सोइल के लिए मैं जो है सैंड, कंपोस्ट और जो कोकोपीट है ये लूँगा। कोकोपीट मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे गर्मियाँ बहुत तेज़ होती है, तो उसमें क्या है सोइल बार बार ड्राई होता है या बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो कोकोपीट के हल्की नमी जो है सोइल के अंदर बना के रखेगा। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह का सोइल है कि आप मोस्टली इनको सभी तरह की गार्डनिंग कामों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप सीडलिंग के लिए भी इनको लगा सकते हैं और प्लांट के अंदर भी इनको लगा सकते हैं। तो ये हमारा सोइल मिक्स जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो बल्ब है वो लगाएंगे। तो ये रहे हमारे फुटबॉल लिली के बल्ब। इनमें से एक बल्ब जो है हम इस पॉट में लगाएंगे। पॉट में हम जो है सोइल डालेंगे और इसके बाद जो है एक बल्ब लेकर इसको इसके अंदर सोइल में इस तरह से रख देंगे। अब जो है बल्ब को जो है इस तरह से सोइल पे रखेंगे, यानी कि पूरा सोइल के अंदर नहीं डालना है, सिर्फ इस तरह से हल्का सा इसको रख देना है और इसके चारों तरफ जो है हल्का हल्का सोइल हम डाल देंगे। बल्ब को जो है पूरी तरह मिट्टी में दबाने की जरूरत नहीं है, इसको आप आधा भी दबाएंगे तो भी काफी है, अगर आधे से भी कम दबाएंगे तो भी काफी है। अब हम इसमें जो वाटरिंग करेंगे तो ये ऊपर से ठीक हो जाएगा, यानी कि बल्ब जो है आधे से लगभग जो है बाहर आ जाएगा, तो अब इसमें हम वाटरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से जो बाकी के बल्ब है वो मैं लगाऊंगा, यानी कि यही सोइल मैं यूज करूंगा सभी बल्ब
के अंदर और इसी तरह से मैं उनको लगाऊंगा। मैं उनकी भी अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे दिखाता रहूंगा। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ममल बोनसाई नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे इनकी अपडेट्स जो है वो मैं डालता रहूंगा। अब चलिए मैं आपको जो हमारे एम रिलीज के बल्ब हैं उनकी अपडेट दिखाता हूँ जो हमने पहले लगाए थे। तो ये रहे हमारे एम रिलीज के बल्ब, ये तीन बल्ब हैं और तीनों में देखिए दो कलर जो है वो रेड कलर के हैं और एक जो है थोड़ा सा क्रीमी कलर आप कह सकते हैं और इसके अंदर एक हल्का ऑरेंज और क्रीमी कलर का मिक्सचर है ये। तो ये काफी खूबसूरत है। इन बल्ब को देखकर लगता नहीं था कि इतने बड़े बड़े फूल इन पे आएंगे और देखिए कितने खूबसूरत फूल लग रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह के बल्ब जो है लगा सकते हैं। आप अगर बिल्डिंगों में रहते हैं तो भी लगा सकते हैं, इसको अपने खिड़की के पास रख दीजिए, ये ऐसे ग्रो हो जाते हैं। और छोटे पॉट में आप लगा लीजिए। मैंने इनको चार इंच के पॉट में लगाया, चार इंच के पॉट में भी लग जाते हैं बहुत ही इजीली। यहाँ तक कि कुछ बल्ब तो ऐसे होते हैं जिनको आप पानी के अंदर यानी कि पानी में पूरा नहीं डुबोना, सिर्फ बल्ब का नीचे का हिस्सा हल्का सा पानी में टच होता रहे, इस तरह से भी आप उनको स्प्राउटिंग करके लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके आसपास जो बल्ब है वो नहीं मिलते हैं तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों इनमें से आपको कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।